नमस्कार दोस्तों, जयगों मिरर्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग मौजूद हैं जयगों के NS रोड भिटान गेट के नज़दीक, और आज एक कार्यक्रम रखा गया है, सेव टूरिज्म रिमूव रिस्ट्रिक्शंस। जी हाँ दोस्तों, जयगों ट्रैवलर्स वेलफेयर एसोसिएशन जयगों द्वारा एक अपील किया जा रहा है, जागरूकता अभियान किया जा रहा है। जयगों में टूरिज़्म काफ़ी प्रभावित हुई है लॉकडाउन के वजह से। इंडिया के लॉकडाउन हो या भूटान की लॉकडाउन हो, पूरी तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्री चरमरा सी गई है, सफ़र कर रही है। और इसके लिए अपील किया जा रहा है, एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जयगों ट्रैवलर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपील किया जा रहा है कि ये जो टूरिज़्म है उसको बचाया जाए। काफ़ी सारे परिवार हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इस टूरिज़्म से उनका रोजी रोटी चलता है। चलिए सुनते हैं। हम लोग इंडिया का तरफ में अभी हम लोग यूएस में टूरिज़्म खोलने जा रहे हैं, मतलब आस्ते आस्ते कोई एक बार में नहीं, मतलब एकदम लिमिटेड के हिसाब से हम लोग खोलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये सब भी अभी होटल्स खोलना है, और ये अभी व्हीकल्स हम लोग का टैक्सी व्हीकल्स और ये सब हम लोग का चलाना है। तो हम लोग अभी टैक्सी चलाएं तो किस तरह से चलाएंगे, मतलब पैसेंजर किस तरह से रखें। अभी थोड़ा गवर्नमेंट से भी देख रहा हूँ, हम लोग को गाइडलाइन से जो मिलने से हम लोग को सुविधा हो जाता है। ये है अभी हम लोग अभी कुछ ये मतलब ये प्रोग्राम का यही प्रोग्राम का ये दृश्य है हम लोग का, क्योंकि रिसोर्ट में होटल्स में हम लोग को मतलब एकदम ही मतलब स्टाफ ही नहीं है कोई होटल में, इसीलिए हम लोग ये अभी हम लोग चालू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसके लिए कोई सरकार को आपने ज्ञापन दिया है? सरकार को हम लोग ज्ञापन नहीं दिया, इसी से अभी हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोग्राम आज में हम लोग किया है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग किया है। तो ये हिसाब से अभी हम सरकार को ये हिसाब से हम लोग अल्टीमेटली इसको दे देंगे। अच्छा, आप ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा में है, यहाँ तो बाहर के काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए भूटान के लिए आते हैं, भूटान में 1200 रुपया करके पर डे भारतीय पर्यटकों को जो लागू करने का एक कर वसूली करने का एक नियम बन रहा है, इसके लिए आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, अभी तो जैसे अभी भूटान जैसे अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने के कारण से अभी हम लोग अभी कुछ बोल भी नहीं सकेंगे कि अभी जब लॉकडाउन खोलेंगे, जब भूटान सरकार जो कि लॉकडाउन जब जिस दिन खोलेगा उस दिन में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, कि मतलब गवर्नमेंट लेवल में हम लोग बात करेंगे कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर 1200 लग नहीं है तो अभी हम लोग इंडिया गवर्नमेंट से हम लोग कुछ बात करेंगे और भूटान के बारे में। आपको क्या इसका लगता है भूटान में अब टूरिज्म का कैसे रहेगा होगा? नहीं, टूरिज्म तो होना ही है, टूरिज्म तो आना है, लेकिन अभी जो ये 1200 करके जो लगाया है इस कारण से शायद अब नहीं भी आ सकते हैं, मतलब कम भी हो सकता है टूरिस्ट। लेकिन ये बात है कि मतलब टूरिस्ट तो आना ही है, लेकिन अभी दिखते हैं अभी इंडिया गवर्नमेंट को क्या किस हिसाब से हम लोग अभी बोलेंगे। ये ऑल ओवर इंडिया का एसोसिएशन लेके अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। ये 1200 रुपये क्या आपको जायज लगता है इंडियन टूरिज्म को भूटान से लेना सही लग रहा है? देखिए, उसका मैं 1200 का मैं प्रतिवाद नहीं करूँगा, क्योंकि भूटान गवर्नमेंट का अभी एक तो अपना देश का एक डिसीजन होता है। तो हम लोग को देश में हम लोग का इंडिया में हम लोग बोलेंगे कि मतलब ये ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, ये आप लोग थोड़ा विचार कर दीजिए, ये सब बोलेंगे हम लोग।